আমরা আমাদের জায়গা থেকে স্বাধীন হয়েছি। ইন্ডিয়ার সঠিক কোনো ম্যাপ ছিল না, এরপরও কিছু টেরিটরি কিন্তু বিদেশিদের হাতে কন্ট্রোলে ছিল। দিল্লিও কিন্তু আলাদা স্টেট হিসেবে। স্বাগতম সবাইকে বিচ্ছু রিয়াকশনে। আমরা চলে এলাম আপনাদের সঙ্গে আবারও আরেকটি ভিডিও শেয়ার করার জন্য। আর আজকে আমরা যে ভিডিওটি শেয়ার করব সেই ভিডিওর টাইটেলটি হচ্ছে Why Union Territories Exist in India? How is it different? আর আমরা এই ভিডিওটি নিয়েছি পাওয়ার ট্রেন ইউটিউব চ্যানেল থেকে। ওনাদের ভিডিওর লিঙ্কটি আমাদের ভিডিওর নিচে দেওয়া থাকবে, আপনারা চাইলে সেখান থেকে অরিজিনাল ভিডিওটি দেখে নিতে পারেন। তো চলুন সবাই মিলে ভিডিওটি দেখে আসি। कई सारे स्टेट्स हैं और कई सारी यूनियन टेरिटरीज भी, और दोनों को काफ़ी अलग अलग ट्रीटमेंट मिलती है। तो ऐसा क्यों है और क्यों यूनियन टेरिटरीज को स्थापित किया गया, यही चीज़ आज हम जानेंगे। जिनको नहीं पता यूनियन टेरिटरी क्या होती है, तो वो देश के कुछ ऐसे एरियाज या रीजन्स हैं जिन पर उसके पास वाले स्टेट का कोई भी कंट्रोल नहीं होता और डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उन्हें संभाला जाता है, चाहे वो पॉलिटिकल चीजें हो, एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें या फिर लेजिस्लेटिव। और इसीलिए ये काफी अलग तरीके से चलाई जाती है अगर हम बाकी स्टेट से कंपेयर करें तो। अब समझते हैं कि इनकी जरूरत क्यों पड़ी। आजादी के पहले भारत कई सारे लोकल पावर्स के द्वारा डोमिनेटेड हुआ करता था। कई सारे प्रिंस स्टेट्स थे, कई सारे दूसरे कंट्रीज के द्वारा ओन्ड रीजन्स थे जो देश पर कई सौ साल पहले कब्जा कर चुके थे। और जब इंडिया आजाद हुआ उस टाइम पर एक पूरा का पूरा सेटल्ड मैप इंडिया के पास में नहीं था, स्पेशली अगर हम स्टेट्स, उन स्टेट्स का नाम क्या है, कौन से स्टेट की पावर किसके पास में होगी, ये सारी चीजें डिटरमाइंड नहीं थी। इसके अलावा भी लोकल लेवल पे भी बहुत ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हुआ करते थे और देश को ठीक से प्रॉपरली चलाने के लिए एक अच्छा पॉलिटिकल मैप होना बहुत जरूरी था। बेहतर तरीके के डिविजन्स हमें बहुत ज्यादा जरूरी थी। इसलिए उस समय के हमारे लीडर्स ने कई सारे स्टेट्स को समझाते हुए इंटरनल छोटे मोटे झगड़े खत्म करते हुए उन्हें एक साथ ले आए, उन्हें यूनाइट किया और ऐसे ही कई सारे स्टेट्स बने जो आज हम हमारे मैप में देखते हैं। वैसे ये जो स्टेट्स का डिविजन है ये कभी खत्म नहीं हो पाया। टाइम बाय टाइम चाहे प्रिंसली स्टेट्स खत्म हो गए, राजा महाराजाओं का रूल जो लोकल लेवल पे था वो तो खत्म हो गया, वो सारे इंडियन रिपब्लिक का भाग तो बन गए, लेकिन फिर भी कई सारे स्टेट्स में कुछ और रीजंस की वजह से भी दिक्कतें आने लगी और पिछले 10 साल में भी हमने स्टेट्स के अंदर भी सेपरेशन होते हुए देखे हैं। अब जब इन स्टेट्स को बनाया जा रहा था उस टाइम पे कुछ चीजें ध्यान में रखी गई थी जिनके बेसिस पर उनके टुकड़े बनाए जाए। यहाँ पर अगर सबसे मेजर रीजन की बात करें तो यहाँ पर लैंग्वेज को सबसे बड़ी प्रायोरिटी दी गई थी, इसके बाद में कल्चरल और हिस्टोरिक बैकग्राउंड्स, पुरानी बॉर्डर्स, किस तरीके के रिलेशन उनके नेबर के साथ में है, ये सारी चीज़ों को देखते हुए ग्रुप्स बनाए गए थे जो आगे जाकर स्टेट्स बने। लेकिन इस टाइम पे कुछ ऐसे छोटे एरियाज छूट गए जो स्टेट बनने के डिसीजन के लिए सही नहीं थे, क्योंकि या तो वो साइज में इतने छोटे थे कि वो इंडिपेंडेंटली खुद को फाइनेंशियली सपोर्ट ही नहीं कर सकते थे, जबकि कल्चरली लिंग्विस्टिकली अपने पास वाले रीजन से इतने डिफरेंट थे कि उन्हें उस स्टेट का भाग भी बनाया नहीं जा सकता था, और इंटरनल स्क्रैबलिंग न हो इसलिए उन्हें सेपरेट छोड़ दिया गया। इसके अलावा भारत के अंदर कुछ ऐसे हिस्से भी थे जो आजादी होने के बावजूद दूसरे देशों के द्वारा कंट्रोल हुआ करते थे, और ये जो छोटे कुछ रीजन्स थे जिन पर स्टेट बनाने का डिसीजन नहीं हो पाया वो 1951 तक ना स्टेट रहे ना यूनियन टेरिटरीज, और बाद में बाय टाइम मिलिट्री पावर को इस्तेमाल करते हुए, डिप्लोमेटिक टाइज को इस्तेमाल करते हुए इन्हें भारत का हिस्सा बनाने के लिए हमने काम शुरू कर दिया, और 1955 के बाद में इन रीजन्स को ऑफिशियली एज यूनियन टेरिटरीज डिक्लेयर किया गया और फाइनली ये प्रॉपरली इंडिया का हिस्सा बन गए। अगर कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो दीव दमन और गोवा पहले पोर्चुगल रूल के अंडर हुआ करते थे, आजादी के बाद में भी 1961 में मिलिट्री के द्वारा इन तीनों जगहों को इंडिया का भाग बनाया गया, पोर्चुगीज रूल को वहां से हटाया गया और वो रिपब्लिक का भाग बन गए। लेकिन ये तीनों रीजन चाहे वो गोवा हो, दीव या दमन, ये 450 से भी ज्यादा साल से पोर्चुगीज रूल के अंदर होने की वजह से कल्चरली उनके नेबर से अलग थे, क्योंकि पहली स्टेट्स बन चुके थे तो उनका हिस्सा इन्हें बनाना सही नहीं था, और इसके अलावा ये तीनों जगह फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी नहीं थी कि अगर स्टेट बन जाए तो अपनी ही पॉपुलेशन को वो सपोर्ट कर पाए, इसलिए इन्हें यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया। बाद में साल 1987 में गोवा इतना इंडिपेंडेंट बन गया था कि खुद को एज अ स्टेट वो कंट्रोल कर सकता था, इसकी साइज भी कंपैरेटिवली दीव दमन दादर नगर हवेली से बड़ी थी,
इसलिए इसे स्टेटहुड दे दिया गया और ये उस टाइम पे हमारे देश का पहली यूनियन टेरिटरी बनी जिसे स्टेटहुड भी दिया गया था। इसके अलावा पुदुचेरी भी एक ऐसी यूनिक यूनियन टेरिटरी है जो चार अलग अलग जियोग्राफिकल टुकड़ों में इंडिया के अलग अलग भागों में फैली है, लेकिन फिर भी इसे एज अ होल कंसिडर किया जाता है। पुदुचेरी के जो रीजन है यहाँ पर पहले फ्रेंच रूल हुआ करता था, लेकिन साल 1954 में इंडिया ने फिर से फ्रेंच के हाथों से कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया और फिर से सेम समस्या यहाँ पर खड़ी हो गई। पुदुचेरी के जितने चारों ये टुकड़े थे वहाँ का कल्चरल एटमॉस्फेयर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, उनके नेबर्स के साथ में उनके हिस्टोरिकल रिलेशंस, ये अच्छे न होने के कारण या आप कह सकते हो स्टेबल न होने के कारण इन्हें एज एन यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया गया और ऐसे ही ये सेपरेट हो गए। ज्यादातर यूनियन टेरिटरी जो बनी उनके पीछे तो यही रीजंस थे, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और रीजंस की वजह से यूनियन टेरिटरी बनाने की जरूरत पड़ी। दिल्ली थोड़ी अलग है क्योंकि ये हमारे देश का कैपिटल है, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है, तो किसी एक स्टेट को दिल्ली की पावर दे देने के वजह से इसका गलत फायदा उठाया जा सकता है, स्पेशली पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो। इसलिए दिल्ली को सेपरेट ही रखा गया और किसी भी स्टेट का भाग आज दिल्ली नहीं है। चंडीगढ़ को एज अ आर्टिफिशियल कैपिटल बनाया गया था दो स्टेट्स के लिए, इसलिए किसी भी एक स्टेट का भाग होना इसके लिए भी सही नहीं था और इसलिए चंडीगढ़ भी यूनियन टेरिटरी बना। लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर जैसा हम जानते हैं कि लंबे समय से चलते आ रहे कुछ रूल्स और कंट्रोवर्सीज के चलते इसे डायरेक्टली स्टेटहुड देना गवर्नमेंट ने सही नहीं समझा और बाद में इन्हें यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया गया। अगर अंडमान निकोबार आइलैंड्स की बात करें, लक्षद्वीप की बात करें, तो ये कल्चरली हिस्टोरिकली वैसे भी अपने आप को इंडिपेंडेंटली रख रहे थे, लेकिन एज एन ओवरऑल इंडिया में जिस तरीके से स्टेट फंक्शन करते थे उस हिसाब से ये सेल्फ सस्टेनेबल नहीं थे, इसलिए इन्हें भी यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया गया। बेसिकली अगर इन कंक्लूजन कहे तो ऐसी जगह जहां पर स्टेट बनाना सही नहीं होगा, चाहे वो पॉलिटिकली हो, एडमिनिस्ट्रेटिवली हो, कल्चरली हो, हिस्टोरिकली हो, तो उन्हें यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है ताकि स्टेट बनने के बाद में दिक्कतें ना आए और डायरेक्टली उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उसके बाद में देखा जाता है। अगर हमारे देश के कुछ लेटेस्ट यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो साल 2020 में दादरा नगर हवेली और दीव दमन, इन सेपरेट यूनियन टेरिटरीज को मिलाकर एक कंप्लीट सिंगल यूनिट बनाई गई। इसके अलावा 2019 जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख वाले डिक्लेरेशन तो आपको पता ही होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और मिलेंगे अगले वीडियो में। तो আমরা এই ভিডিও দেখে আসলে বুঝতে পারলাম যে ইউনিয়ন টেরিটরিটা কেন এখনো বর্তমান আছে, ইন্ডিয়া স্বাধীন হয়েছে ইংরেজদের হাত থেকে। হ্যাঁ, আমরা কিন্তু আসলে স্বাধীন হয়েছে বলতে পারি যে আমরা আমাদের জায়গা থেকে স্বাধীন হয়েছে, এমন না যে অন্য জায়গা থেকে এসে স্বাধীন হয়েছে। আমরা আমাদের জায়গাতেই ছিলাম, আমাদের উপর অন্যরা রাজত্ব করছিল, সেখান থেকে আমরা স্বাধীন হয়েছে। তো স্বাধীন হওয়ার পর এখানে আসলে ইন্ডিয়া এবং পূর্ব পাকিস্তান, পশ্চিম পাকিস্তান এভাবে আলাদা আলাদা ভাগ হয়ে যায় এবং তখন ইন্ডিয়ার সঠিক কোনো ম্যাপ ছিল না যেটা দিয়ে আসলে টেরিটরিগুলোকে ভাগ করা যায়। তখন প্রথমত ল্যাঙ্গুয়েজকে প্রাধান্য দিয়ে আসলে টেরিটরি করা হয়, অ্যান্ড দেন হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ কালচারাল যে তাদের একত্রিতকরণের যে উপকরণগুলো আছে সেগুলো যদি মিলে যায়, বা আগে এটাও দেখেছে যে তাদের পার্শ্ববর্তী স্টেটের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক কেমন, তাছাড়া আগে থেকেই কি তাদের কোনো বর্ডার সিস্টেম ছিল কিনা, সবকিছু মিলায় তারপর তারা আলাদা আলাদা করেছে স্টেটগুলোকে, এবং তারা ফিনান্সিয়ালি স্ট্রং কিনা তাদের টেরিটরি চালানোর জন্য। এরপরও কিছু টেরিটরি কিন্তু বিদেশিদের হাতে কন্ট্রোলে ছিল, যেটা জেনে আমি অবাক হলাম যে গোয়া কিন্তু তখনও পর্যন্ত পর্তুগিজদের হাতে ছিল, এটা আমি আসলে জানতাম না। সময় লেগেছে গোয়াকে স্ট্রং হতে, তার ফিনান্সিয়ালি সে যখন ফিনান্সিয়ালি স্ট্রং হয়েছে তখন তাকে আলাদা স্টেট হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। আর এখানে ইউনিয়ন টেরিটরি যেটা বোঝাতে চেয়েছে সেটা হচ্ছে যে সমস্ত স্টেট আসলে নিজেরা ফাইন্যান্সিয়ালি স্ট্রং না, তাদেরকে হচ্ছে মূল গভর্নমেন্ট থেকে কন্ট্রোল করবে, সেই ধরনের সিস্টেমটাই হচ্ছে ইউনিয়ন টেরিটরি। রাজনৈতিকভাবে হোক, কালচারালভাবে হোক, বা তাদের অন্য যে কোনো সামাজিকভাবে হোক, মূল কেন্দ্রীয় সরকারই তাদেরকে প্রভাবিত করবে বা তাদের সবকিছু চালাবে, সেটাই হচ্ছে এখানে মূল
মূল কথা। তো এখানে আমার কাছে এটাও অবাক লেগেছে যে ফ্রান্সের কিছু অংশও ছিল কিন্তু যেখানে চারটা পার্টে কিন্তু চারদিকে ভাগ করা ছিল, এবং ওটাকে কিন্তু ফ্রান্স সিটিও বলে সবাই। হ্যাঁ, কিন্তু ফ্রান্সের আদলে বাড়ি ঘরগুলো তৈরি করা, তো ওখানে গেলে কালচারও হয়তো ওরকমই, কারণ তারা ওভাবেই আসলে অভ্যস্ত, যেহেতু তারা তাদের আন্ডারে ছিল সেই কারণে তাদের ওইভাবে তাদের লাইফ স্টাইল ওভাবে চলেছে, তাদের কালচার ওভাবে, তারা হয়তো তাদের সব কিছু মিলে অন্যরকম ছিল, যেটা মূল ইন্ডিয়ার সঙ্গে হয়তো খাপ খেত না, এখনো অলরেডি তারা একসঙ্গে হয়ে গেছে। সর্বশেষে আমরা যেটা নিয়ে যেটা দেখেছি যে তোমার লাদাখ আর হচ্ছে জম্মু কাশ্মীর এখানেও কিন্তু আলাদা করে দিয়েছে, তো এটাও কিন্তু আমরা আগে জানতাম না, আগে কিন্তু সবসময় একসঙ্গেই বলতো জম্মু কাশ্মীর আর লাদাখ, তিনটা টেরিটরিকে কিন্তু তারা এক করেই বলতো, এখন কিন্তু দুটা ভাগে ভাগ হয়ে গেছে, জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর অ্যান্ড লাদাখ। তো এখানেও কিন্তু গভর্নমেন্ট, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট আলাদা করে হাতে নিয়ে নিয়েছে, তো এখানেও আলাদাভাবেই তারা ইউনিয়ন টেরিটরি হিসাবে ঘোষণা করেছে। তো এরকম আরও হয়তো অনেক অনেক আছে যেগুলো ভিডিওর মধ্যে উনিও বলছিল যে আরও দুটা স্টেটকে 2020 সালে ঘোষণা করা হয়েছে। তো ওভারঅল ভিডিওটি আসলে আমাদের কাছে অনেক ইনফরমেটিভ ছিল, আমরা অনেক কিছু জেনেছি এখান থেকে। হ্যাঁ, এবং দিল্লিও কিন্তু আলাদা স্টেট হিসাবেই কাউন্ট করা হয়, কেননা দিল্লিকে কোনো একটা সিঙ্গেল স্টেটে দেওয়া হচ্ছে না, তাহলে আসলে ক্ষমতার অপব্যবহার হতে পারে সেই জন্য। তো যাই হোক, ভিডিওটি থেকে আমরা অনেক কিছু জেনেছি, আশা করি আজকে আমাদের ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক করবেন এবং কমেন্টস করে জানাবেন আর কোন কোন ধরনের ভিডিও আপনারা আমাদের সঙ্গে দেখতে চান। তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সাবধানে থাকবেন। আজকের মতো আমরা এখানে বিদায় নিচ্ছি।